Hi everyone, namaste and good morning and happy Makar Sankranti to everyone. कल परसों लोहड़ी थी जिसका व्लॉग आप लोग देख चुके होंगे, तो कल भी मकर संक्रांति थी, कल 14 थी एंड आज 15 है। तो मेरी मम्मी आज सेलिब्रेट कर रही है, मेरी मदर इन लॉ पहले आज ही सेलिब्रेट करने वाली थी, मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि आज है 15 को है, लेकिन फिर उन्होंने उज्जैन में बात करी और इधर उधर बात करी तो कुछ लोग 14 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी 14 को सेलिब्रेट कर ली, तो उन्होंने कल सेलिब्रेट कर ली थी। तो अच्छा ही हुआ उन्होंने कल कर ली, क्योंकि आज मेरी मम्मी सेलिब्रेट करी तो मैं वहाँ चली जाऊँगी ऐसा। एंड ऑल्सो आज शाम को टीनू आने वाली है, टीनू की फ्लाइट लैंड हो जाएगी। कितने बजे आ रही है वो? 7:50 पे आएगी, तो मैं उसको लेने जाने वाली हूँ, मतलब मैं भी और विक्की भी। तो हम लोग ये करने वाले हैं क्योंकि वो दिल्ली से होते हुए आएगी एंड केसेस एज यू ऑल नो कि थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जस्ट फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशंस दोनों गाड़ियाँ जाएंगी, एक मैं चला के लेके जाऊँगी और एक विक्की चला के लेके जाएगा, विक्की की गाड़ी। तो हम लोग इसमें मूव हो जाएंगे, हम रिसीव करेंगे उनको प्रॉपरली, हम इधर मूव हो जाएंगे और वो लोग इधर, इस वाली गाड़ी में दोनों को ही गाड़ी चलाना आती है, तो दोनों में से ये लोग इसको चला के ले आएंगे, ब्लैक वाली को, ऐसा हम लोगों ने सोच के रखा है। फिर आके वो शार आर ले लेंगे, वो शादी के बाद फर्स्ट टाइम भी आ रही है, तो आई एम एक्साइटेड टू मीट विद हर। एंड अभी सुबह सुबह नहाना है तो समझ में नहीं आ रहा है कि नहाया जाए कि नहीं नहाया जाए। और अभी जस्ट आज मैं विक्की से यही बोल रही थी, अभी हमारे यहाँ ना 9 बजे पार्सल आया है। आप सोचो हम लोग को घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, और जो वो कुरियर वाले अंकल हैं, एक आते हैं थोड़े एजेड से हैं, और वो आकर के कुरियर दे करके गए। मैं ही बोल रही थी हेड्स ऑफ टू दैट अंकल। और स्लीपर है जिनको मैंने आपको हॉल में भी बताया, एंड इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये मैंने विक्की के लिए मंगवाई हैं। क्यों मंगवाई हैं उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्लीपर्स हैं स्पार्क्स की। अब ज़रा चल के बताना इसमें, ये जिस तरीके से चलता है इन स्लीपर्स में, ओ माई गॉड भाई, पूरे घर में आवाज़ आती है। मतलब ये ऐसी सटर 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 करके चलते हैं ना, ये वैसी आवाज़ आती है। सुबह सुबह ये उठता है, कभी कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे। 7:30 बजे के बाद उठता है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये जब उससे पहले उठता है मेरी नींद ख़राब होती है, क्योंकि ये इतनी आवाज़ करके चलता है। तो मैंने इसके लिए स्पेशली स्लीपर्स मंगवाई हैं जो मैं पहनती हूँ, उनकी बाटा की फ्लोट्स की, कि भाई वो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे आवाज़ वगैरह नहीं करेगी। क्या आवाज आ रही है? ये ऐसी आवाज क्यों आ रही है? पर मेरे में से तो नहीं आ रही है। क्या आवाज आ रही है? रुको, चुप 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 चुप। तो 20 मिनट झगड़ा करने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि जो वो वाली स्लीपर्स आई है वो रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि विक्की को पसंद नहीं आ रही है। और भाई मेरे को तो ये बहुत पसंद है, मतलब ये इतनी बढ़िया लगती है मुझे कि मैं तो पहनती हूँ। तो वही है, हम दोनों की चॉइस कुछ चीज़ों में सेम नहीं आती है। तो विक्की ने डिसाइड किया है वो एक और कोई मंगवा रहा है, उसकी चॉइस की, वो मंगवा के देखते हैं अगर उसमें आवाज़ आएगी तो। दूसरा ये ऑप्शन है कि खुद यहाँ पे उसमें बाटा है, वहाँ जा करके ले करके आएगा, क्योंकि इसकी स्लीपर्स में तो बहुत आवाज़। मेरे को कुछ चीज़ों के लिए ना मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, जैसे खाना खाते टाइम मुझे आवाज़ सुनने में मतलब गुस्सा नहीं आता है, मुझे बहुत किड़किड़ी मचती है, जैसे बहुत ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से उठ जाऊँ, मतलब मैं वो आवाज़ नहीं सुन सकती। कुछ आवाज़ें होती है ना जो आप बियर नहीं कर सकते। तो यस, एंड मुझे यहाँ पर जब से मैं सो के उठी, पता नहीं ये किस बात की रेडनेस हो रही है, आई गेस मैं या तो ऐसे हाथ करके सो गई हूँ। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं या मम्मी के घर पे, ये रही मम्मी, इनको ठंड नहीं लग रही है अभी, और ये रहे पापा, हाँ, और ये रहे विक्की। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी, ये टीनू आ चुकी है। टीनू यहाँ पर ठंड कैसी है? कम है। ये 3-4 डिग्री में रहने वाले लोगों को अभी यहाँ पे जहाँ हम लोग काँप रहे हैं उसमें इसको ठंड कम लग रही है, जबकि इसको पहले बहुत ठंड लगती थी। हाँ। और वो रहा पीछे सैम। सैम हाय। हे हाय, ये हमारा सैम है। और अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं केडी घूमने के लिए। और ये ओके गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आई थिंक तीनों को आए हुए कितने दिन हो गए?
5-6 days बाद जो फर्स्ट टाइम मिली थी तब, उसके बाद मैं सीधे आज मिल रही हूँ. बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था चीज़ें करने का, पता नहीं हम कहाँ बिजी थे, पर बिजी थी. और अभी आज मैं आ रही हूँ एक और जो मैंने बताया था टीनू. ओके, तो टीनू आई किस लिए है, उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो आज उसका संगीत था, तो मैं वहीं से आ रही हूँ. और मेरे फेस पे अभी अच्छा खासा मेकअप लगा हुआ है. ओके, सो अभी मैं मेकअप रिमूव करने वाली हूँ. मैं सबसे पहले यूज़ करने वाली हूँ ये है CBM SHO माइसिलर वाटर बाय बायोडर्मा. तो बायोडर्मा इज द इन्वेंटर ऑफ माइसिलर वाटर टेक्नोलॉजी. मतलब सबसे पहले जो माइसिलर वाटर इन्वेंट किया था वो इन्हीं ने किया था, बायोडर्मा ने. So Bioderma is a French brand and products are made in France. So the range I'm talking about is especially for acne prone skin, oily skin and combination skin. तो मेरी जो skin है अब थोड़ी combination हो चुकी है, oily से, extremely oily से combination में आ गई है. ये जो CBM SHO micellar water है, ये non-rinse micellar water है जो कि cleanse करता है, makeup को remove करता है, आपकी skin को purify करता है without drying it. ये enriched है with purifying agents जैसे कि zinc, gluconite and copper sulfate. तो आपको use कैसे करना है, soak करना है cotton में with CBM H2O and साथ में gently आपको cleanse करना है, मेकअप को रिमूव कर देना है, या आपको नॉर्मली भी अपना फेस क्लेंस करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं. अब आते हैं सेकंड स्टेप पे. और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है CBM जेल मुसांट. एक अल्ट्रा जेंटल सोप फ्री फॉर्मूला क्लेंजर है जो रिस्पेक्ट करता है आपकी स्किन के बैलेंस को विदाउट ड्राइंग द स्किन. सो बेसिकली ये क्या करता है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ. उसके अंदर जिंक सल्फेट मिला हुआ है, कॉपर सल्फेट मिला हुआ है. ये आपकी स्किन को क्लेंस करता है, नंबर ऑफ ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है एंड लिमिट करता है सीबम सिक्रीशन को. इसके अंदर गिनको बिलोबा एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है जो इंक्रीज करता है स्किन हाइड्रेशन को एंड सिग्निफिकेंट एंटी एजिंग डिफेंस को. इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है सीबम सिक्रीशन को लिमिट करता है, कीप पोर्स फ्रॉम बिकमिंग क्लॉग्ड एंड नॉन कॉमेडोजेनिक. नेक्स्ट प्रोडक्ट है CBM हाइड्रा. CBM हाइड्रा इज अ मॉइस्चराइजर व्हिच कीप्स द स्किन मॉइस्चराइज्ड 24 आवर्स. सो ये ड्राइनेस एंड रेडनेस जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है स्किन पे उसको हटाएगा. साथ एक्ने ट्रीटमेंट जब करते हैं तभी स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, तो वो ड्राइनेस रिमूव करने में हेल्प करता है. इट हैज सुपरस्टार इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्लिसरीन एंड सेरामाइड्स, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनेक्सोलोन एंड एलेंटन, सूद एंड रिड्यूस रेडनेस. मतलब अमेजिंग, आई रियली लव इसमें से जो मेरा फेवरेट. तो मुझे CBM जेल मुसांट मुझे बहुत पसंद आया है एंड CBM हाइड्रा अमेजिंग है. आप देखो मेरी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रही है, बट एक बहुत अच्छा एकदम क्लीन एंड क्लियर और जो होता है ना एक बहुत अच्छा ग्लो आया है. तो लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अमेजिंग रेंज है, चेक जरूर करिएगा. और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली कल सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और टीनू अभी तक आई नहीं है बिकॉज उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ऑब्वियसली वो थोड़ा लेट आएगी. मेरा बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था तो मैं जल्दी आ गई हूँ और अब मैं सोने जाती हूँ और कल आप लोगों से मिलती हूँ. हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो आज है वेडिंग डे. अब आज रिसेप्शन है, तो मतलब मैं तो खाना भी घर पे खा के जानी बिकॉज मेरा स्टमक थोड़ा अपसेट हो रहा है, ये इतना बाहर बाहर का, मेरे को ज़्यादा मसाले वाला फूड सूट नहीं होता है. तो वेट अ सेकेंड, टीनू का मिस्ड कॉल है. हेलो एंड हमारे बिल्कुल घर के वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब 5 घर छोड़ करके ही शादी हॉल है, वहीं पर ही शादी है. तो हम लोग तो पैदल ही आ जा चले जाते हैं तैयार होने के लिए. तो अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह हो करके. और हाँ, अभी जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे पास एक कढ़ाई आई थी स्टेनलेस स्टील की, उसको भी मैंने चेक करके देखा, टेस्ट करके देखा. 2-3 बार मैं उनको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं उसका अभी आपको रिव्यू देती हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिए. तो ये जो कढ़ाई है द इंडस वैली की ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है इनका स्टेनलेस स्टील कलेक्शन. ये फुली क्लैड 304 ग्रेड में बनती है एंड इसका जो टोटल वेट है वो 1.3 kgs है. ये केमिकल फ्री, फूड सेफ ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है जिसमें आप अलग अलग वेराइटी की कुकिंग कर सकते हैं. तो इसमें मैंने ऑयल भी काफ़ी कम डाला है, जो मैं अभी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ. तो ऑयल मुझे ऐसा एज अ मुझे फील हुआ कि मुझे इसमें इस कढ़ाई में ऑयल काफ़ी कम लगा है. तो मैंने यहाँ पर आलू की जो मसाले वाली सब्ज़ी होती है मैं वो यहाँ पर बना रही हूँ एंड इसको आलू को मैंने बॉयल नहीं करे हैं, तो मतलब बहुत टाइम लगा था कुक होने में क्योंकि ये नए पोटैटोज़ थे. तो यू नो इसको कुक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था ये चेक करने के लिए कि इसमें कितना मसाला चिपकता है. अगर इसमें इन केस कुछ चीज़ चिपकती है तो वो कितनी जल्दी क्लीन हो जाती है, उसका डेमो मैं अभी आपको देने वाली हूँ. तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत जैसे आप नॉर्मल किसी भी कढ़ाई को यूज़ करते हैं ना, तो हल्का जैसे मसाला जितना चिपक जाता है उससे तो कम ही इसमें मसाला का चिपका था, बहुत थोड़ा सा हल्का सा स्टिक हुआ था जो कि बहुत ईजिली क्लीन हो गया था. तो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस कढ़ाई, लिंक्स इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ले सकते हैं. काफ़ी ईजी क्लीनिंग थी इसमें. अभी देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ, इतना ही ये हल्का सा वो हुआ था एंड बहुत आराम से, मुझे कोई स्टील वूल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ईजिली क्लीन हो गया था एंड ये क्लीन होने के बाद ऐसा दिख रहा है. ओके गाइस, सो अभी शाम हो गई है, शाम के 4:30-4:30 बज गए हैं. तो अब जो फेरे का टाइम है वो होने वाला है, मैं रेडी होना स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने शार वार सब कुछ ले लिया है.
आई एम गोइंग टू वियर दिस साड़ी। गाइस आई एम बैक फ्रॉम द वेडिंग और मैं वापस घर आ गई हूँ। अभी रिसेप्शन है तो मैं ये साड़ी वाड़ी सब हटा के सूट पहनने वाली हूँ और उसके ऊपर जैकेट पहनूंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। फैशन वैशन सब गया तेल लेने बट ठंड लग रही है और अभी वेदर भी बहुत ख़राब हुआ है, बारिश हुई है आज, तो फालतू बीमार बीमार ना पड़ जाए, इसलिए यू नो मैं प्रॉपर अपना सूट पहनने के ऊपर उसके ऊपर मैं कोट पहनूंगी। 2 hours later. ये कौन सा भूत चढ़ा है रात को? डस्ट दिख रही है हर जगह मुझे। मैं 2 दिन शादी में गई हुई थी तो आई वॉज नॉट एबल टू क्लीन दी होम। सैटरडे संडे आज, तो अभी कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। तो आई फील एनर्जेटिक और मैं अच्छा भी फील कर रही हूँ। अच्छा फील मतलब अभी क्लीन करूँगी ना तो मैं ऑसम फील करूँगी। मेरे मुताबिक मेरी बीवी पागल हो चुकी है। इसको अच्छा फील हो रहा होगा लेकिन मेरे मुताबिक ये पागल हो चुकी है। प्लीज़ कमेंट बिलो कि ये रात को 10 बजे सास भाई कर रही पूरे घर की। ठीक है, घर की नहीं, मुझे ये जो वाइट वाला फर्नीचर होता है ना, इसमें क्या होता है कि आप अगर 3 दिन बैक टू बैक, अभी मैंने 3 दिन बैक टू बैक क्लीन नहीं किया तो आपको ना डस्ट की लेयर दिखने लगती है और वो क्लियरली दिखती है और वो जो लेयर दिखती है ना तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा हो के भी मैं चिड़चिड़ाने लगती हूँ तो इसलिए मैं ये क्लीन कर रही हूँ। चमका दिया भाई साहब, चमका दिया इस इंसान ने। क्या चमका दिया? ना अच्छा लगता है ना घर में चमकता हुआ फर्नीचर रहे। रुको मैं दिखाता हूँ ना, ऐसे जूम करके दिखाऊंगा ना। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो दीवार है इस पे आपकी ऐसी साफ सफाई करती हुई फोटो डाल लें, थेरेप्यूटिक। भाई होता मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आई डोंट नो आप लोग कुछ ये करते हो कि नहीं करते हो, पर गंदा दिख रहा था तो मैं जस्ट क्लीन कर रही हूँ घर और एक्चुअली अभी रात के 10 बज रहे हैं तो बैठा उसके बाद सोऊंगी। और आज संडे वैसे तो आज हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है खास। हम लोग गए थे अपने जो एक्चुअली मैंने बताया ना कल शादी वगैरह थी तो 2-3 दिन पूरा वहीं पे चीज़ों में निकल गया था और यस बस यही है। और अब मैं आप लोगों से कल मिलूंगी बिकॉज नेक्स्ट जो मंडे आ रहा है ना उसमें मेरा बर्थडे वीक है। 4 डेज बचे हैं मेरे बर्थडे के लिए। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड नाउ। अभी तक मेरा कुछ भी ड्रेस नहीं आया है, फुटवेयर कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ और नहीं आया है और बट हाँ मैंने एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ सोची है फाइनली जो मैं अपने आप को गिफ्ट करने वाली हूँ एंड इस बार विक्की अग्री हो गया है ना कि चलो ले लेना। तो विक्की भी अग्री हो गया कि चलो ठीक है मेरा इतना मन है तो मैं पूरे एक साल से पैसे सेव कर रही थी अपने कि मुझे ये लेना है क्योंकि क्या होता है ना एकदम से आप इतनी बड़ी चीज़ लेने के लिए जाते हो तो भैया आपको पूरा बजट हिल जाता है। तो मैं थोड़ा अमाउंट अपना निकाल के रख रही थी एंड बहुत हिम्मत करने के बाद मैंने अपनी मम्मी को भी मतलब ऐसा कुछ बड़ी चीज़ लेती हूँ तो मम्मी से भी पूछती हूँ कि तो मेरी मम्मी इज़ लाइक कि ठीक है भाई तुमको इतना ज़्यादा मन है तो ले लो। तो मैं फाइनली बुक करने जानी हूँ 1-2 दिन में। बर्थडे के टाइम पर तो नहीं आने वाली है वो आपको दिख जाएगी ठीक है, जैसे ही आएगा ना मैं दिखाऊँगी ज़रूर और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। यस और यस अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल मॉर्निंग। आज भोपाल में बहुत खतरनाक वाली ठंड है, मतलब लिटरली बहुत ठंड है। फिर से टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया है तो आज रात में 6 टेम्परेचर था और अभी 11 टेम्परेचर है। अब हमको थोड़ी आदत हो गई है, मतलब आई थिंक लास्ट व्लॉग में ये चीज़ बोला था कि मैं बर्थडे पर कुछ नहीं लेने वाली हूँ अपने लिए। लिया है ना बेसिकली जो मेरे पास अभी तक आती हैं एज अ लाइफ स्टाइल व्लॉगर। मेरे पास बहुत सारा कोलैबोरेशन का सामान आता है तो आपने देखा होगा कि मैं हॉल्स ज़्यादा बनाती हूँ तो मेरे को जो ब्रांड्स अप्रोच करते हैं ना वो हॉल्स के लिए ही ज़्यादा अप्रोच करते हैं। तो एज इन हॉल्स में मेरे कपड़े उपड़ों का सब पूरा शौक पूरा हो जाता है, मतलब शौक क्या ओवर ही चला गया। अब कभी कभी मैं वो भी हो जाती हूँ कि यार अभी इतने कपड़े कहाँ रखूँ मैं। ठीक है तो कपड़े वगैरह तो मैंने कुछ भी नहीं लिए, ना ही मैंने कोई फुटवेयर में इन्वेस्ट किया है, ना ही मैं कोई मतलब मैंने इन्वेस्ट कहीं खुद से नहीं किया। मेरा पैसा जो अकाउंट से होता है वो अभी तक कहीं नहीं गया है। जो मेरे पास हॉल्स में सामान आता है मैंने उन्हीं में से सब छांट छूट करके मैं कोई कपड़े पहनने वाली हूँ बर्थडे पे तो मेरी बर्थडे ड्रेस हो जाएगी। तो हाँ टेक्निकली आप बोल लो कि मैंने खुद से जाके मॉल में वो जो अपन बर्थडे की ड्रेस ढूंढते नहीं ना वैसे शॉपिंग नहीं करी है और आप नॉन टेक्निकली बोलो तो हाँ ये मेरी शॉपिंग है क्योंकि मैंने सब वो ही करके किया है। बट हाँ वो मेरे पैसे से नहीं हुआ है, वो कोलैबोरेशन में जब हम हॉल बनाते हैं तो हमको कपड़े खरीदने का भी पैसा मिलता है अलग से तो वो वैसे आ गया। ठीक है
उसके बाद मैंने आई थिंक आपको बताया भी था, हाँ उसके बाद मेरे को ना एक वॉलेट, अपना वॉलेट जो है वो चेंज करना था. वो क्यों चेंज करना था उसका मैं एक रीज़न बताऊँगी आपको बाद में कभी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपको लगेगा मैं सुपरस्टिशियस टाइप की बातें कर रही हूँ, कुछ मानते होंगे कुछ नहीं मानते होंगे. तो मुझे अपना वॉलेट चेंज करना था, उसमें कुछ भी खराबी नहीं है, ना तो एक थ्रेड निकला है ना इसमें कोई प्रॉब्लम आई है. फॉसिल का वॉलेट है, मतलब आप ये 10 साल अभी ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ अलग रीज़न से मैंने वॉलेट लिया है. तो मैंने जो वॉलेट मंगवाया है वो अगेन फॉसिल का ही है, क्योंकि इनकी क्वालिटी मुझे अमेजिंग लगी है. फॉसिल का ही है और यहाँ से आप जब ओपन करते हो तो इधर पे मेरी फैमिली वालों की पिक्चर लगी हुई है, ये कार्ड्स हैं, दो स्पेस दिया हुआ है, ये कैश रखने की जगह है. उसके बाद यहाँ पर दो जिप हैं, एक तो ये जिप है, दिस इज़ द जिप जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, जो कि अभी खाली है, मैंने कुछ भी नहीं रखा है. और दूसरा एक और जिप है यहाँ पर, दिस इज़ द जिप जिसमें आप अपने कॉइन्स एंड बिल्स इस तरीके की चीज़ें रख सकते हो, जो कि मुझे बहुत पसंद आया. ये अपना वो सर्टिफिकेशन देते हैं कि भाई इनका इको लेदर होता है, और साथ में ये वारंटी कार्ड है, और ऐसे सब चीज़ें आई हैं. तो अगेन मैंने परचेज़ नहीं किया है कि आपका हॉल जल्दी आएगा जिस पे मैंने ये मंगवाया है. तो थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, तो अगर आपके बजट में आते हैं तो आप ले सकते हैं. हाँ ऑल्सो आज मैं डिटॉक्स कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम पिछले चार दिनों से बाहर का खाना खा रहे थे, तो बहुत ऑयली और ये और वो फूड होकर के ना मेरा पेट इतना अजीब हो रहा है, बहुत मेरे को बहुत मेरा स्टमक ऐसे अपसेट सा है. तो मैं आज मैंने सोचा है मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ, मैं सिर्फ फ्रूट्स खाने वाली हूँ. तो जैसे ऑरेंज हो गया, उसके बाद एप्पल हो गया, ये सारी चीज़ें, चुकंदर वकंदर उसका जूस पी लूँगी अभी बना करके. तो मैं आज यही खाऊंगी, रात में खाना खाऊंगी क्योंकि फिर रात में नींद नहीं आने वाली है के तो लेकिन हाँ अभी मैं डिटॉक्स करूँगी अपना. ओके तो अभी एडिट करते टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया है. सो गाइज फिनिशिंग दिस व्लॉग हियर, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. मोस्ट प्रॉबली जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मेरा बर्थडे व्लॉग ही होने वाला है. तो यस इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय.